हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टीटेक P555। आज का मेरा टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ रजिस्टर पर है। इसके बारे में जानकारी मेरी गेस्ट टीचर अलका मिश्रा जी देंगी। वेलकम अलका मिश्रा जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका मिश्रा, मैं एक टीचर हूँ। आज मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। अक्सर हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, उसमें हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो रेजिस्टेंस जो हमारे पास आते हैं मार्केट से या हमारे पास जो होते हैं घर में, उनमें कई कलर्स के बैंड्स बने होते हैं। तो हमको ये करना है कि हम इसकी कैसे कोडिंग करें और कैसे डिकोडिंग करें। तो आज हम आपको रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग और डिकोडिंग बताएंगे। उससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस जो होते हैं वो मेनली कार्बन के बने होते हैं और इनमें कई बैंड्स के आते हैं, जैसे 4 बैंड रेजिस्टेंस, 5 बैंड रेजिस्टेंस और 6 बैंड रेजिस्टेंस। मैक्सिमम 6 बैंड के रेजिस्टेंस ही अवेलेबल हैं इस समय। तो मोस्ट प्रॉबली 4 और 5 बैंड्स के रेजिस्टेंस आते हैं, जिनके बारे में आप सबसे पहले ये देखिए। ये हमारा 4 बैंड का रेजिस्टेंस है और ये 5 बैंड का रेजिस्टेंस है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 4 बैंड के रेजिस्टेंस में ये फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड ये डिजिट्स के लिए होता है, थर्ड बैंड को हम मल्टीप्लायर बोलते हैं और फोर्थ बैंड हमारा टॉलरेंस होता है। इसी प्रकार से हमारा 5th बैंड में फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड और 4th बैंड मल्टीप्लायर हो जाता है और टॉलरेंस 5th बैंड से दिखाई जाती है। अब इसके लिए कलर कोडिंग और डिकोडिंग करने के लिए हमारे पास एक सारणी होती है, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड कलर्ड कोड सारणी। तो अब आप पहले सारणी को देखिए, फिर हम उसके बारे में आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए ये सारणी, इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड कलर कोड सारणी। इस सारणी में हमारे कलर्स दिए होते हैं और उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं ये दिया होता है। देखिए लाइन से कलर दिए हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। मेन हमारे 9 कलर होते हैं। इसके अतिरिक्त गोल्ड, सिल्वर और नन, ये 3 कलर दिए होते हैं। ये 3 कलर जो हैं हमारे गोल्ड, सिल्वर और नन, ये या तो 5 और 6 बैंड्स में 3rd डिजिट के रूप में लिखे जाते हैं या फिर ये टॉलरेंस के रूप में लिखे जाते हैं। हर एक कलर के लिए एक सिग्निफिकेंट डिजिट डिसाइडेड है। जैसे देखिए ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वॉयलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और वाइट के लिए 9। ये हमारे फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, यानी 1st बैंड के लिए लिखे जाते हैं। सेम डिजिट 2nd बैंड के लिए भी लिखे जाते हैं। जब 5 या 6 बैंड का रजिस्टर होता है तो सेम डिजिट ही 3rd बैंड के लिए भी लिखे जाते हैं। इसके बाद 4 बैंड का अगर रजिस्टर होता है तो उसमें ये 3rd डिजिट मल्टीप्लायर के रूप में यूज़ हो जाता है, और अगर 5 और 6 बैंड का रजिस्टर है तो ये 3rd डिजिट के रूप में लिखे जाएंगे और 4 बैंड जो होता है वो मल्टीप्लायर के रूप में लिखा जाता है। अब आप देखिए, और ये 5th बैंड जो होता है या 4th बैंड जो होता है वो टॉलरेंस के लिए होता है। आइए अब हम आपको एग्ज़ाम्पल के रूप में दिखाते हैं। ये देखिए ये 3 बैंड का रजिस्टर है, ये 4 बैंड 5 बैंड और 6 बैंड, मैक्सिमम 6 बैंड तक ही रजिस्टर आते हैं। अब 3 बैंड में देखिए ये 3 कलर दिए हैं, ऑरेंज, ऑरेंज, ब्राउन, और यहाँ पर टॉलरेंस कलर के रूप में कोई कलर नहीं दिया गया, तो इसी को हम बॉडी कलर या नन कलर कहते हैं। अब देखिए ऑरेंज के लिए हमारी इसमें सारणी में डिजिट दिया है 3, तो ये हो गया 3 3, और ब्राउन के लिए डिजिट 1 है, तो 10^1 मीन्स 10, यानी ये मल्टीप्लायर में 10 आएगा, तो 33 × 10 मीन्स 330, तो ये हो गया 330 ओम, और टॉलरेंस में कोई कलर नहीं है तो ±20% इसकी टॉलरेंस हो गई। इसके बाद ये 4 बैंड रजिस्टर देखिए, इसमें दिया है ग्रे, रेड, ऑरेंज,
और टॉलरेंस कलर दिया है गोल्ड। ग्रे के लिए हमारी सारणी में नंबर दिया है 8, तो 8 हो गया। रेड के लिए 2, तो 2 हो गया। ऑरेंज 3, 10^3 मीन्स 1000 ओम और 1 किलो ओम, तो इसको हमने लिखा 82 × 10^3 ओम या 82 किलो ओम। और इसकी टॉलरेंस हो गई, गोल्ड है तो ±5%। इस 5 बैंड रजिस्टर को देखिए, ग्रीन, रेड, ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन। ग्रीन के लिए डिजिट है हमारी 5, रेड के लिए 2, ब्राउन के लिए 1, तो ये हो गया 521। चूँकि ये 5 बैंड है दोस्तों, हमने बताया था कि इसके लिए 3 डिजिट लिखे जाते हैं, तो 3 बैंड के डिजिट लिख दिए। 4th बैंड मल्टीप्लायर ब्लैक, ब्लैक 10^0 मीन्स 1, हेयर इज इट्स मल्टीप्लायर इज 1, तो 521 × 1 मीन्स 521 ओम। और ब्राउन कलर के लिए टॉलरेंस होती है ±1%, तो इसकी वैल्यू हो गई 521 ओम ±1%। ये देखिए 6 बैंड रजिस्टर है, इसमें देखिए कलर, ये ऑरेंज, रेड, ब्राउन, ब्राउन, ब्राउन एंड रेड। अब देखिए दोस्तों, इसकी कोडिंग भी 5 बैंड रजिस्टर की तरह 5 बैंड से कर दी जाएगी, और ये जो 6 बैंड है ये हमारा टेम्परेचर को डिनोट करता है, इसकी कोडिंग वैल्यू के लिए नहीं की जाती है। अब देखिए, ऑरेंज के लिए 3, रेड के लिए 2, ब्राउन के लिए 1, तो ये हो गया 321। और ये ब्राउन जो है ये मल्टीप्लायर के रूप में 10^1 मीन्स 10, तो ये हो गया 3210। अगर इस ओम, अगर इसको हम लिखेंगे किलो ओम में, तो ये हो जाएगा 3.21 किलो ओम। और टॉलरेंस के लिए, इसमें ब्राउन कलर है, इसकी टॉलरेंस ±1% होगी, तो इस 6 बैंड रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लिखेंगे 3.21 किलो ओम ±1%। आइए अब आपको बोर्ड की ओर ले चलते हैं, जहां पर आपको हम कुछ और एग्जांपल देकर उसकी प्रैक्टिस करवा देंगे। अब हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे आपको जीवन भर ये कलर कोडिंग नहीं भूलेगी। इसके लिए सबसे आसान तरीका, एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लीजिए, और ये फॉर्मूला बहुत उपयोगी उन लोगों के लिए है जो लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कोई डिप्लोमा कर रहा है या बीटेक कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स से या किसी अन्य स्ट्रीम से, और कुछ लोग हैं जो रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो उनके जैसे रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया तो वो उसकी वैल्यू नहीं जान सकते हैं मल्टीमीटर से। इसके लिए अगर कलर कोडिंग आती होगी तो कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस वहाँ पर लगा था ये उनको आसानी से पता चल जाएगा। इसके लिए एक छोटी सी लाइन है, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे है, तो देखिए, बी बी आर ओ वाई रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। बी स्टैंड फॉर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येल्लो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड वाइट। अब इसके बाद आपको 0 से 9 तक सभी को नंबर्स आते हैं, 0 to 9। एक लाइन से आप लिख लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सेकेंड बैंड के लिए भी सेम डिजिट रहेंगे। थर्ड बैंड हमारा मल्टीप्लायर होता है, तो 10^0 में ये सब चल जाएंगे। तो अब हम आपको इससे एक वैल्यू निकाल कर दिखाते हैं। मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, जैसे ये एक रेजिस्टेंस है देखिए, जिसमें ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज 3 बार है और एक गोल्ड है। तो देखिए, हमने रेजिस्टेंस के कलर लिखे ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज। गोल्ड हमारा टॉलरेंस का कलर है, जिसके बारे में अभी इसके बाद हम आपको टॉलरेंस निकालना बताएंगे, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इस सीट में आप देखिए, ऑरेंज 3, तो ये आ गया हमारा 3, 3, और थर्ड इज़ द मल्टीप्लायर मीन्स 10^3। या तो हम इसे कह सकते हैं थर्टी थ्री थाउजेंड ओम और 33 किलो ओम, ये इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। अब इसकी टॉलरेंस हम अभी आगे आपको बताएंगे किस तरह से निकालती जाती है। हर रेजिस्टेंस की टॉलरेंस उसी तरह से निकाली जाती है। अब अगर हम अपने मन से कोई कलर लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया येल्लो, वॉयलेट, रेड, तो येल्लो स्टैंड्स फॉर 4, तो यहाँ पर हो गया 4, वॉयलेट 7,
और थर्ड बैंड मल्टीप्लायर 10^10 रेड के लिए 2 है तो 10^2 मींस ये हो गया आपका 4700 ओम, या इसको हम कह सकते हैं 4.7 किलो ओम। अब हम एक और कलर लेते हैं, ब्राउन, ब्लैक, येल्लो, ये 3 कलर हमने लिए। ब्राउन के लिए कितना है तो 1, ब्लैक के लिए 0, येलो के लिए 4, तो 10^4 मींस ये आपका हो गया 1 lakh ohm। और अगर ये 3 powers को हम किलो ओम में ले जाएं तो 100 किलो ओम। देखा, ये 100 किलो ओम आ गया। इसी तरह से हम बराबर कोडिंग कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको हम टॉलरेंस बताते हैं। टॉलरेंस देखिए सिर्फ 4 कलर की होती है, 1 ब्राउन, रेड, गोल्ड, सिल्वर, और एक और होती है जिसे हम कहते हैं बॉडी कलर और नो कलर टॉलरेंस। नो कलर का मतलब फ्रेंड्स यही हो गया कि जो बॉडी है उसी कलर की है। ब्राउन की टॉलरेंस, अगर ब्राउन कलर का बैंड है 4th या 5th तो उसकी टॉलरेंस होती है ±1%, रेड की ±2%, गोल्डन की ±5%, सिल्वर की ±10%, बॉडी कलर की ±20%। अब इसमें से भी गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब टॉलरेंस आप निकालेंगे कैसे, जैसे कि मान लीजिए किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम आई है। अब इसमें चौथा कलर हमारा गोल्डन है जिसकी टॉलरेंस ±5% है, तो 10 × 5/100 मीन्स 5। अब प्लस माइनस का मतलब होता है 5% या 5% ज़्यादा, तो हमारा 100 का 5% हुआ 5, तो 100 से 5 गया तो 95 ohm to 105 ohm तक इस रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी कर सकती है। समझ में आ गया होगा आपके। इसी तरह से इसके और एग्जांपल आप करके देखिएगा। अब आपको हम 5 band रजिस्टर की कोडिंग बताते हैं। मोस्टली 4 and 5 band ही चलते हैं, 1, 2, 3, 4 and 5। फर्स्ट बैंड ब्राउन, सेकेंड इज रेड, थर्ड इज ब्लैक एंड फोर्थ इज रेड। टॉलरेंस बैंड मीन्स 5th band इज गोल्डन। देखिए ब्राउन 1, रेड 2, ब्लैक 0 इंटू 10^2 ओम, इसकी वैल्यू होगी ±5%। ऐसे ही हम लिखते हैं। अब ये हो जाएगा 1, 2 ओम ±5%, दिस इज 12 किलो ओम ±5%। ये टॉलरेंस हमको निकाल कर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये हम इसलिए करते हैं कि हमको पता रहे कि इसमें कितनी वैल्यू इसकी वेरी कर सकती है। बस इस तरह से केवल लिख दिया जाता है कि इसकी वैल्यू क्या है।
ये तो कोडिंग हो गई। अब इसी प्रकार से हम डिकोडिंग भी करते हैं। डिकोडिंग के लिए भी हमको ये टेबल याद होना ज़रूरी है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इसी से आप अपने दिमाग में इसको फीड कर सकते हैं। और इस फीडिंग के बाद मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू दी हुई है, उसके हमको कलर्स ज्ञात करने हैं। मानिए हमने कहा 100 ओम कि हमको कलर बताइए। तो अब डिकोडिंग करने के लिए हमने जो अपनी सीट रखी थी बी बी रॉय वाली, उसमें से देखिए 1 स्टैंड्स फॉर ब्राउन कलर, तो ये हमने लिख दिया ब्राउन। फर्स्ट डिजिट का ब्राउन हो गया। 0 ब्लैक कलर के लिए है, तो ये हो गया ब्लैक। और थर्ड बैंड मल्टीप्लायर होता है हमने बताया था, तो ये 0 कब आएगा, थर्ड बैंड के लिए 0 आया, तो ये 10^1 जब होगा तब यहाँ पे होगा, यानी कि ब्राउन। थर्ड बैंड में 10^1 के लिए हम ब्राउन कलर आते हैं, तो ब्राउन ब्लैक ब्राउन, ये इसकी डिकोडिंग हो गई। अब अगर हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है जिसमें ये कलर दिए हैं, तो इसका माने उसका मान 100 ओम है। इसी प्रकार से हम आपको और एक दो एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए कहा 47 किलो ओम, और हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का चार्ट जो होता है वो ओम के अकॉर्डिंग होता है, तो इसको हमने ओम में बदल लिया, तो ये हो गया 47,000 ओम। अब देखिए फर्स्ट बैंड सेकंड बैंड एंड थर्ड बैंड मल्टीप्लायर, तो फर्स्ट बैंड हमारा 4 मींस येल्लो। जब आप करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, अभी आपको याद करना है तब आएगा ये येल्लो। 7 वायलेट एंड थर्ड बैंड मल्टीप्लायर जिसमें पावर 3 आए, तो 10^3 आता है आपका ऑरेंज में, तो हमारे ये कलर हो गए येलो वायलेट एंड ऑरेंज। देखिए ये डिकोडिंग भी हो गई। तो इसी तरह से कोडिंग और डिकोडिंग करते हैं, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी धीरे धीरे ये कोडिंग डिकोडिंग। और अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप चैनल के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेलकम मैम। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। बाय बाय।